और क्या बोलत रहे भाई, हमारे खड़िया में, हमारे गांव में आपका स्वागत है। बैलेंसिंग, लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग। बनो टटा टटा, मुझे पहचानो टटा टटा, कहां से आया बोलत रहे भाई, हमारे खड़िया में, हमारे गांव में आपका स्वागत है। हाँ, और हमारे गांव में आए हुए हैं और ये हमने चारपाई लगाई हुई है और झाड़ के नीचे, चीकू के झाड़ के नीचे बैठे हुए हैं भाई। एक पाय उचल तर चालते रे, पाय उचल तर हळू उचल तुझा। अरे दीवानो टटा टटा, मुझे पहचानो टटा टटा, कहां से आया मैं हूं डॉन डॉन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं डॉन। डॉन पड़े बैलेंसिंग, लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग। हम कैसे करो, टेक्निक अभी समझ में आई। अच्छा खरोखर हलते थे, मतलब पप्पा मुद्दाम करते हैं। अरे गेला ना, मला काय करते काय, गेम मध्ये एकदा सांगितलं परत आणायला लागतं लक्ष पुढे। और ये देखिए गेम भाई, इसमें भी देखना है, मेरा चेहरा मत बताना, इधर देख। और ये देखना, अभी मैं 100 के पार जाने वाला हूँ। ओ 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 या भाई, आड़ लगा गया तोड़ शिला। और ये सूर्यका भाई पाटिल, देखते कोल्हापुर का नाम रोशन करेगी क्या नहीं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, 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 ओ।
वापस रिटर्न, वापस चांस है क्योंकि बॉल गिरा नहीं है। ओके ओके, बहुत कंसंट्रेशन, लाजवाब कंसंट्रेशन सुरेखा भाई का। अभी उनका बॉल है हिल नहीं रहा है जगह से, ट्राई करते हुए। ओ ओ ओ ओ, ये ये भी एक फ्रूट है, आपने देखा रहेगा, ये मुंबई में काफी देखा मैंने, बेचते हैं इसको, मुझे इसका नाम नहीं पता। अगर आपको याद आता है ये फ्रूट का नाम क्या है, प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दिए इसका नाम क्या है। ओके, तो अभी आप लोग जा रहे हैं फार्म विजिट पे, तो बने रहिए फार्म विजिट का, कुछ बता रहे फार्म के बारे में। पानी कम होता है तो वेजिटेबल्स कम हो जाते हैं, अदरवाइज यहाँ का कम से कम 32 के ऊपर तो वैरायटीज रहते ही रहते हैं यहाँ का। और जब भी हम लोग ने यह कभी स्टार्ट किया था ना, तभी मिसेस और भक्ति और मैंने ऐसा डिसाइड किया था कि चलो एक फैमिली के लिए अच्छी जगह होनी चाहिए, लेडीज ग्रुप के लिए अच्छी जगह होनी चाहिए करके हम लोग ने ऐसा सोचा था। फिर वो करने के लिए हम लोग ने फिर ड्रिंक्स एकदम स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड किया, इवन जेंट्स ग्रुप्स रहते हैं वो भी हम लोग ने कैंसिल किया, इवन सिंगल कपल भी अभी तक 7 इयर्स हो गए एक कपल भी हम लोग ने लिया नहीं है, मीन्स प्योर फैमिली बेस्ड हम लोग ने ऐसा ये स्टार्ट किया था। अभी काफ़ी लोगों ने बोला था कि मेन बिजनेस जो रहता है रिसोर्ट का या फिर होटल का वो ड्रिंक्स जेंट्स ग्रुप्स एंड कपल, उसी के ऊपर आप ज़्यादा कमाते हैं, 80% पैसा तो उसी में से आता है, फिर आप सर्वाइवल कैसे करोगे वगैरह, आप कैसा मेंटेन कर पाओगे। लेकिन हम लोग हमारा ऐसा था ही नहीं कि चलो कि पैसा कमाना ये मेन एम था ही नहीं हमारा, चलो कि अच्छा प्लेस है लोगों को अच्छा लगता है तो एक रहने के लिए बनाएंगे। तो हम लोग ने फिर सुपारी हाउस बनाया, टाइनी हाउस बनाया, मचान हट बनाया, तभी हम लोग ने ऐसा सोचा था कि चलो कि लो बजट में हम लोग कर दे, तो लेकिन इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमें, फिर हम लोग ने ये ट्री हाउस किया, लग्जरी टेंट किया, फिर वो दूसरा ट्री हाउस किया, फिर और लेकिन यहाँ पे जो आने वाले गेस्ट हैं ना करीब करीब ना 400 फैमिली जो है ना वो रेगुलर आते हर साल आने वाली फैमिली है, तो कोई कम से कम 30-35 फैमिली ऐसा कि जो सुपारी हाउस तो सुपारी हाउस ही बुक करते हैं, मचान हट तो मचान हट ही बुक करते हैं, टाइनी हाउस तो टाइनी हाउस। तो मैंने और पूछा कि अरे हम लोग ने अलग अलग हाउस बनाया क्योंकि यहाँ पे सब हर साल वही गेस्ट आते हैं, तो इसके लिए हम लोग ने अलग अलग वैरायटी बनाई। नहीं लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं हमारा वो गांव का एक घर जैसा हमें वो फीलिंग आता है, इसीलिए हम लोग वही हर साल वही बुक करते हैं। म्हणजे खूप सारे फॅमिली आहेत ना, मी वगैरे सुपारी हाऊस तर सुपारी हाऊसच बुक करतात, मचान हट तर मचान हट बुक करतात, असे म्हणतात की नाही आमचं एक गावचं एक घर आहे, एक थोडंसा एक फिलिंग होतं, हां फील होतं एकदम, म्हणून आम्ही आणि जेवण पण गावच्या सारखं जेवण आहे त्यामुळे वो अच्छा लागते हमको। अभी पहले ना जब स्टार्टिंग में हम लोग ने बनाया था ना तभी वहाँ पे वॉशरूम्स भी अंदर था नहीं है, क्योंकि वो वॉशरूम्स हम लोग ने ये दो कॉमन ही रखे हुए थे, ये वाला करीब करीब 3 इयर्स हम लोग ने यही कॉमन यूज किए थे। इस कॉन्सेप्ट ऐसा था कि चलो कि गांव में जाते हैं तभी आप वॉशरूम्स के लिए बाहर जाते हैं,
तो हम लोग ने फिर वॉशरूम्स अंदर बनाए नहीं, तीनों हाउस में वॉशरूम्स नहीं थे। फिर हम लोग ने सोचा कि अरे अपने यहाँ पे अबव 90 अबव 80 वाले काफ़ी लोग आते हैं, फिर वो रात को कैसे बाहर जाएंगे वगैरह। फिर हम लोग ने उसको अटैच कर दिया, मचान को भी अटैच किया, टैनिया उसको किया, सबको फिर अटैच वॉशरूम्स हम लोग ने किया। अभी तो इसमें सब में अभी वॉशरूम्स हम लोग ने ऑलरेडी अटैच कर ही दिया है। और मिसेज जो है ना भक्ति एमफिल किया हुआ है, डबल एम ए बी ए बेड है और लेक्चरर है कॉलेज में। मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, मैं प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट में हूँ। तो मैंने पूरा सब तीनों सब जो हाउस है ना वो 3D मॉडल बना के ही प्रॉपर डिज़ाइन करके हम लोग ने ही डिज़ाइन करके सब बनाया है। मीन्स इसमें कोई बाहर का इंजीनियर नहीं है, कुछ भी नहीं है, आर्किटेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं। हम लोग ने खुद डिज़ाइन किया, खुद हाथ पकड़ के सब बनाया है। और ये जो काफ़ी लोग ऐसे आते हैं ना कि बोलते कि अरे हम लोग ऑलरेडी पॉश हाउस में रहते हैं, हमारे 3 BHK हाउस है तो वहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, हमें थोड़ा सा रॉक चाहिए करके। तो हम लोग ने एक थोड़ा सा वही किया। पर सर ना वेल है ना हे डायबिटीज साठी वापरले जातात, मोस्टली हे केरळवाल्यांना जास्त माहिती आहे हे वही वेल आहेत। आणि आता जर तुम्ही बी बघितलं ना तर आतमध्ये ना एकदम हार्ट शेपचा बी आहे बघा, मध्ये व्हाईट डॉट आहे ना तो हार्ट शेपचा आहे। हे जर शीट पडलेलं ना तर बर्डची बसायची जागा ना इकडे फिक्स आहे एकदम, म्हणजे बर्ड्स आहेत ना इकडे हे पॅरासाइट्स आहेत बघा हे बांडगुळ, तर त्याला ना फळं लागतात, तर ती फळं खाण्यासाठी तो नेहमी एकाच जागी बसतो, म्हणजे त्याची बसायची जागा एकदम फिक्स आहे। मी तो बरोबर इकडेच बसतो, तो त्याचा प्रातर्विधी आटपतो आणि मग जातो। इव्हन त्याचा झोपायची जागा पण फिक्स असते, कदाचित तिकडे झोपायची जागा पण असू शकते, म्हणजे तो रात्री इकडे झोपू पण शकत असेल। आणि हे पक्षी इकडे फळ जवळ आहे ते तू इकडे येऊन झोपत असेल असं पण आहे इकडे भरपूर। आणि दालचिनी का ना, दालचिनीवर जो तमालपत्र ये रहता है ना वो एक और एक अलग झाड़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें से ना दालचिनी नहीं निकलता है, ये सिर्फ पत्ता यूज होता है। और जो दालचिनी का रहता है हाँ, उसमें वो पत्ता और दालचिनी दोनों यूजफुल रहते हैं। ये देखो यहाँ पे ना व्हाइट कलर का सॉरी रेड कलर के एंट्स का ये हाउस है अंदर काफी, वरती बघा एकदम घरटी आहेत बघा, 1 2 3 4 दिसतात तुम्हाला मध्ये ती बघा, इथून इथून बघा या साइडने दिसेल बघा। हा मासे जातात आणि येतात जातात येतात, हे मवाच्या मासे आहेत। हनी बी, हनी बी इकडे आतमध्ये आहे, अंदर आहे ना हनी बी का ये है कोम है, म्हणजे आतमध्ये ते त्यांनी घरटं घातलेलं एकदम छोटं लगाय पहचान सकता है इसको। हाँ ये कोको का है जो चॉकलेट्स बनता ना, अच्छा चॉकलेट तो झाड है त्याला इथे लागले ती सगळी कोको वाला आहे। पॉलिनेशन पत है ना, पॉलिनेशन परागी भवन मराठी म्हणता, छोटे पोलन दिसतात का, तर हे मायक्रोस्कोप घेऊन तो डोळ्याला मायक्रोस्कोप लावायचा आणि प्लकरने एक एक पोलन निकालने का। और दुसरे जो फ्लॉवर्स रहते हैं जैसे कि ये वाला फ्लॉवर है तो उसके अंदर वाला जो पोर्शन रहता है ना ये वाला उसमें थोड़ा सा रब करना है तो इसमें से पोलन उसमें चला जाता है, तब उसको मेटिंग नेचुरल मेटिंग टाइप है। हाँ पीच का झाड़ है, ये देखो यहाँ पे पीच लगा हुआ है। डायबिटीज वगैरह होता है ना तो वो सुबह में एकदम उठ के थोड़ा सा पत्ता खाएंगे ना तो थोड़ा सा कंट्रोल में रहता है। खूप लोक खातात ऍक्च्युअली, थोडा खट्टा रहता, थोडा खट्टा खट्टा सगळे हे बघा पेपरमिंट चं झाड आहे आणि ह्याला हे सगळे रूट्स फुटल्यात बघा, दिसत का व्हाइट 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 सब रूट्स, अगर ये थोडा सा भी ये होता है ना तो भी नीचे से कंटिन्यूअस आता ही रहता है। म्हणजे हे तुम्ही घेऊन गेलात ना आणि मी कट करायचं असं आणि मग मोठ्या कुंडीमध्ये लावायचा का ते पूर्ण असं वेलासारखे पत्ता
देखिए।